नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। हम बात कर रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के बारे में। रघुवर दास का जन्म 3 मई 1955 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय चमन राम है। दास का बचपन बहुत अभावों में गुजरा। उन्होंने जमशेदपुर की टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफर शुरू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भालूवासा हरिजन विद्यालय में हुई। यहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से बीएससी और विधि स्नातक की परीक्षा पास की। रघुवर दास के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी हैं। रघुवर दास 1974 के छात्र आंदोलन के समय समाजवादी छात्र संगठनों के संपर्क में रहे। साल 1977 में जनता पार्टी के सदस्य बने और 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वे सक्रिय राजनीति में आ गए। 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा और वे विधायक चुने गए। तब से लेकर अब तक लगातार 5वीं बार उन्होंने इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता है। रघुवर दास 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक राज्य के श्रम मंत्री रहे। फिर मार्च 2003 से 14 जुलाई 2004 तक भवन निर्माण और 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक झारखंड के वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। इसके अलावा रघुवर दास 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा जुलाई 2004 से मई 2005 तक वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साथ ही 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक दोबारा उन्होंने यह पद संभाला। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिली और 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड चुनाव पर यह था हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।